झुंझुनू के चिड़ाव शहर के अड़ूका फाटक के पास पायल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का विधिवत शुभारंभ हुआ। ब्लड बैंक का शुभारंभ सरला पाठशाला की निदेशक व सामाजिक कार्यकर्ता अनिता चौधरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर ब्लड बैंक के निदेशक संदीप अहलावत, ब्लड बैंक व्यवस्थापक संदीप कुमार, पायल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र पायल, डॉक्टर गणेश चेतीवाल, विकास कसवा, विकास पुनिया सहित काफ़ी गणमान्य जन मौजूद रहे। पायल हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र पायल ने बताया कि इस ब्लड बैंक में 1000 यूनिट रक्त संग्रहण हो सकेगा। इसके साथ ही 1250 रुपये में रक्त उपलब्ध हो सकेगा। खास बात यह है कि यहां पूर्व सैनिकों से ये चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ब्लड बैंक निदेशक संदीप अहलावत ने बताया कि क्षेत्र में ये एकमात्र ऐसा ब्लड बैंक है जहाँ पर प्लाज्मा डोनेट की सुविधा सहित अन्य कई सुविधाएँ उपलब्ध है। हॉस्पिटल एंड ब्लड सेंटर का उद्घाटन हुआ है जी, जिसमें 60 से ऊपर रक्तदाता अभी आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा फुल फैसिलिटी अवेलेबल एक ब्लड सेंटर है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जीवनदान होगा। जो इमरजेंसी में जितने भी यहाँ से केस रेफर होते थे अब यहीं पे ही उनको रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी जीवन बचाया जाएगा। अभी 250 यूनिट का टारगेट है जी, आधी हो गई है और बाकी और हो गई है।